आज के लिए हम करेंगे क्लास टेंथ की थर्ड पोयम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इससे पहले मैं दो वीडियो बना चुका हूँ, एक अमांडा वाली वीडियो हमने पूरी कर ली पोयम की, दूसरी हमने एनिमल्स वाली कर ली, तीसरी में हम चलेंगे द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन के बारे में। और ये लिखी हमारे राइटर ओजन नैश, इसके राइटर हैं। इसमें हुआ क्या देखूँ, दिस पोयम इज रिटन इन द स्टोरी ऑफ ए ब्लड अ सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी। जब जब स्टोरी नैरेटिव टाइप का होगा, एक सॉन्ग या पोएम स्टोरी बताएगी, उसे बैलाड कहते हैं। कई सारी होती है बेटा, फ्री वर्स होती है, कई तरह से पोएम लिखने के तरीके होते हैं। एक सोनेट होती है, एक ओड होती है, सोनेट होती है पोएम 14 लाइन, उसी तरह से बैलाड है। इसमें क्या कहानी देखो, तीरे चलते कहानी, हेडिंग है टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। देखो पहला पैराग्राफ शुरू होता है, बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन एंड अ रियली ट्रिलो लिटिल पेट ड्रैगन। बेलिंडा एक लड़की है, अब उसने उसके घर की कंडीशन बताई, लिटिल व्हाइट हाउस में रहती है, सफ़ेद हाउस में रहती है, ब्लैक किटन है बिल्ली है उसके बेटा काली, एक ग्रे माउस है, एक येलो डॉग है और रेड वैगन मतलब बेटा वैगन होती है गाड़ी वगैरह, छोटी गाड़ी है, एंड अ रियली ट्रिलो लिटिल पेट ड्रैगन। अब देखो ड्रैगन भी पाल रखा था, इसका मतलब जब ये बात हुई ड्रैगन पाल रखा तो ऑब्वियसली बात है ड्रैगन उसके रियल में होगा नहीं, या तो इमेजिनेटरी हो गया, इसके टॉयस वगैरह की बात हुई, हालांकि आगे जाके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नाउ द नेम ऑफ लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। किटन का नाम बेटा बिल्ली के बच्चे का नाम क्या था, इंक। ग्रे माउस का नाम क्या था, ब्लिंक। येल्लो डॉग का नाम था मस्टर्ड, और नहीं, येलो डॉग वाज एज शार्प एज मस्टर्ड। मस्टर्ड देखो मसालों में काम आती है बेटा, ग्राउंड में जो सॉस भी होती है तो ठीक, इसलिए बहुत शार्प था मस्टर्ड की तरह जो येलो डॉग था। और ड्रैगन वाज ए कावर्ड एंड कॉल्ड हिम कस्टर्ड। कावर्ड होता है बेटा कायर, डरपोक, टिमिड, ठीक है, इसलिए। तो उसने बेसिकली इंट्रोडक्टरी बताया कि उसके घर में कौन कौन से उसके पास जानवर थे या पेट थे। आगे देखिए, कस्टर्ड द ड्रैगन एट शार्प टीथ। जो ड्रैगन के बारे में बताया है, जो मेन हीरो भी है इस पूरी कहानी का, आगे जाके आप पता लगेंगे, तो उसके पास शार्प टीथ थे। ड्रैगन कैसे, बड़े बड़े टीथ, स्पाइक्स कांटेदार निकले होते सर पे, स्केल्स होते हैं, माउथ लाइक ए फायर, ड्रैगन के मुंह से आग निकलती है, और नोज के लिए चिमनी फॉर अ नोज के लिए, एंड रियली ट्रू डैगर्स एंड टू। डैगर होता है चाकू रियल में, तो उसके पैरों पंजे होंगे या नाखून होंगे, बड़े बड़े होंगे, इस तरह से उसका इंट्रोडक्टरी आइडिया दिया। आगे चलते हैं, बेलिंडा वास एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। जो बेलिंडा लड़की है उसको दिखा बहुत बहादुर थी, बैरल फुल ऑफ बियर्स बेटा, बियर मतलब भालू, और अच्छा देखो मतलब भालू एक मतलब एक बैरल होता है जिसमें हम वो रखते हैं पानी वगैरह या फिर ऑयल वगैरह रखते हैं, उस भालू से भरा बैरल मतलब स्ट्रांग थी। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस डाउन द स्टेयर्स। इंक और ब्लिंक जो थे लॉयंस को भी चेस करते, मतलब बहादुर दिखाइए। मस्टर्ड आस एज ब्रेव, बट मस्टर्ड एक टाइगर की तरह था, इन अ रेज, रेज मतलब गुस्से में, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर नाइट, पर हमेशा कस्टर्ड किया जाता था, मुझे केज चाहिए, मुझे एक पिंजरा चाहिए, अच्छा था, मतलब कस्टर्ड को दिखाया बड़ा डरपोक। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी ट्रिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड वेरी रूडली कॉल्ड हिम परसिवल, दे ऑल सेट लाफिंग इन द रेड रेड वैगन एट द रियली ट्रूली क्वालिटी ड्रैगन। सबसे पहले बेलिंडा टिकल्ड हिम, टिकट मतलब बेटा किसी इंसान को इरिटेट करना जिस वजह से कंफर्ट करे हो, जिसको डिसकंफर्ट हो। इंक ब्लिंक मास्टर उसको परसिवल कहते थे, किसको बेटा, कस्टर्ड को, बता देखो ताना मारते थे सरकास्टिक में। अब उनको पता है ना कस्टर्ड थोड़ा सा डरता है चीज़ों से, सॉरी ड्रैगन जो डरता था, तो इसको कहते हैं तू वारियर योद्धा है, क्योंकि उन्हें पता कि भाई देखो मान लो, सपोज मान लो तुम पढ़ने में फेल हो, मैं तुम्हें को तुम तो बहुत एल्बर्टाइज्ड हो, मैं तुम्हें ताना मार रहा हूँ ना, इसी तरह वो ताना मारे। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटल रेड वैगन, जो गाड़ी थी उनके पास छोटी सी, उसमें एट द रियल ट्रूल कवाडी ड्रैगन, उसका मजाक उड़ाते हैं। देखो जो वीक होता है उसका सब मजाक उड़ाते हैं, इसी तरह से देखिए इस ड्रैगन को वीक दिखाया गया भी ऐसे, हालांकि ड्रैगन रियल में ऐसा नहीं होता। आगे देखिए, बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क हिज केज व्हेन कस्टर्ड ट्राइड फॉर एन नाउज। बेलिंडा गिगल्ड बेटा, जब आपने देखा कि उन्होंने केस के लिए बात करा तो बेलिंडा बहुत हंस लग गई बेटा, फनी वे में, शी शुक द हाउस। ब्लिंक है जो माउस को ढूंढ रहा है। इंक और मस्टर्ड बेटा अपनी उसकी एज पूछते हैं, जब वो बोलता है मुझे केस से कह रहा है एज क्या है तेरे, उसका मजाक उड़ाते हैं। वेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ के। नेक्स्ट है, सडनली सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड। नेस्टी मतलब वेरी बैड अनप्लेजेंट, उन्होंने अचानक धड़ाम आवाज सुनी। एंड मस्टर्ड ग्राउंड एंड दे लुक ऑल अराउंड, और देखा उन्होंने भाई कि क्या हो रहा है। म्यूज क्राइड इंक एंड यू क्राइड ब्लेंडा, सब ने बेटा आवाज निकल के डर के मारे, फॉर देयर वाज ए पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा। विंडा मतलब बेटा विंडो, ठीक है, मैच करने के लिए बनाया बेलिंडा से। पायरेट क्या होता है, जो समुद्र के लुटेर होते हैं, आपने मूवी देखी होगी पायरेट ऑफ द कैरिबियन सी,
पायरेट मतलब समुद्र डाकू टाइप का, तो यहाँ पे डाकू वगैरह। अब इसका इंट्रोडक्शन दिया है, डाकू इस तरह दिख रहा था, पिस्टल इन इज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन डाकू इस तरह था, दोनों हाथों में उसके थी क्या पिस्टल थी, एंड इन हेल्ड इन टेथ अ कटलेस ब्लेड, बटन चाकू रखा हो या ब्लेड टाइप का इस तरह की चीज रखी थी उसने अपने दांतों में दबा के। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड, मतलब जितना डरावना बनाने की कोशिश करिए बियर्ड ब्लैक थी, एक पैर उसका लकड़ी का था। इट वॉज क्लियर दैट पैरेट में, इसका मतलब देखो चोर जब आएंगे तो कुछ अच्छा तो करने आएंगे नहीं, ठीक है। आगे लिखा है बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बेलिंडा डर गई और उसने बोला बचाओ बचाओ बचाओ। बट मस्टर्ड फ्लेड विद टेरिफाइड येल्प, मस्टर्ड भग गया भाई साहब, इंक ट्रिकल डाउन, इंक भी भग गया और लिटिल माउस जो है अपने माउस होल में चला गया। मतलब आगे मेरा बट अब जम्प कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, क्लैशिंग टेल्स लाइक आयरन ए डंजियन, विद ए क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जेंगलिंग स्कॉम, ही वेंटेड द पायरेट लाइक ए रॉबिन एट होम। देखो जब उन्होंने पायरेट को देख लिया, अचानक जो है एंट्री होती है कस्टर्ड की, जो कस्टर्ड को सबसे ज़्यादा निकम्मा सर डरपोक सबसे ज़्यादा भोंदू माना जाता था, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। देखो स्नॉटिंग क्या होती है बेटा, ना स्नॉटिंग होता है जानवर जो बाहर निकालते, कभी आपने शेर को नाक और से नाक से बाहर निकालते डराने के लिए इंसान, तो उसी तरह से इंजन की तरह इसने स्नॉटिंग करा। क्लैशेज लिखता है आयरन से डंजियन, डंजियन होता है अंडरग्राउंड प्रिजन, जो वर्ड लिखा है ना डंजे अंडरग्राउंड प्रिजन, उसकी सलाखों की तरह विद ए क्लैटर एंड ए क्लैंक एंड ए जेंगलिंग। क्लैटर एंड क्लैंक मतलब बेटा लाउड अनप्लेसेंट साउंड प्रोड्यूस करना, जेंगलिंग स्क्वैम होता है कि अनकंफर्टेबली अपनी सीट में बैठ जाना, चेयर घुमाना, देखा परेशानी में। ही वेंटेड द पैरेट लाइक ए रॉबिन एट ए बॉम, पैरेट की तरह उसने अटैक कर दिया, किस तरह रॉबिन, रॉबिन क्या होता है इंसेक्ट होता है बेटा जो छोटे छोटे वॉर्म्स को खाता है, ऐसे अटैक कर ऐसे भूखे की तरह। द पायरेट गेप्ड एंड मेडिलेट है, अब जो पायरेट था उसको तो अटैकिंग उसको डर लग गया कि इसने मुझे अटैक कर दिया है ड्रैगन ने, एंड गल्ट सम ग्रॉग फ्रॉम इस, अब डर के मारे उसने क्या, ग्रॉग होती है बेटा, ग्रॉग होती है जो रम टाइप की होती है, ठीक है, तो उसने रम निकाली अपने किससे, फ्लैजन से, फ्लैजन होता है कंटेनर जिसमें उसको रखा जाता है, ड्रिंक को सर्व करा जाता है, और पी गया डर के मारे। ही फायर टू बुलेट्स, बेतहाशा दो बुलेट फायर करे बट वो उसको हिट नहीं करे, एंड कस्टर्ड गॉबल्डी, गॉबल्डी मतलब चबा जाना, उसका छोटे टुकड़े में खा गया उसको, बट ड्रैगन तो होते डरावने भाई। हालांकि इमेजिनेटिव स्टोरी है, बेसिकली ये स्टोरी है मेलिंडा के टॉयज के बारे में बेटा, उसके बाद तीन चार टॉयज जो भी हैं बता रखे हैं, अब वो उसने कहाँ रखे हैं उसके अपनी क्या नाम है इसका वैगन के अंदर कार के अंदर, तो उस तरह का सीन है फिक्शनल ज़्यादा भाई। मेलिंडा एम्ब्रेस है, बैंडला को बहुत खुशी हुई जब उसने उसको चबा गया, तो बहुत मस्टर्ड लिख दिया उसको, नो वन मोर्न, किसी ने भी बेटा विलाप नहीं करा पायरेट विक्टिम के लिए, मर गया, अरे तो चोरों के लिए मर गया तो क्या दिक्कत है। इंक एंड ब्लिंक एंड ग्रीडेड गैरेट, गैरेट मतलब होता है बड़ा डांस वगैरह करना, सर्कस में घूमना, अब खुशी के मारे ना, अब देखो पैरेट मर गया तो अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पैरेट, ड्रैगन के चारों तरफ होता है ना, ठीक है। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल बिट डॉग मास्टर, बट थोड़ी देर अपन वो डॉग था मास्टर, उसने क्या कहा, मैं भी आई बिन ट्वाइस इज ब्रेफ है फ्रेंड, कह रहा मैं भी इससे ज़्यादा दुगना बहादुर होता अगर मैंने जो है कन्फ्यूज़ ना हो, ये वर्ड लिखा गया देखो फ्लस्टर्ड सर्कल में, कन्फ्यूज़ हो गया मैंने तो मुझे समझ नहीं आया क्या करें, तो मैं तो ऐसा उड़ा देता उसको। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, वो कह रहे तू दो टाइम होता हम तीन टाइम होते ब्रेव उससे ज़्यादा। कस्टर्ड से था कहता मैं एग्री करता हूँ तुम हर सब मुझसे, देखो उसे कस्टर्ड ज़्यादा पॉलिटिक्स में पढ़ा नहीं, उसने बोला हाँ मैं एग्री करता हूँ तुम दोनों मुझसे मुझसे बहादुर थे। और ये बेलिंडा स्टिल लिव्स इन अ लिटिल वाइट, कह रहा अभी बेलिंडा उसी लिटिल वाइट हाउस में रहती है, लिटिल ब्लैक कैट एंड लिटिल ग्रे माउस एंड लिटिल येलो डॉग एंड लिटिल रेड वैगन, उन्हीं चीज़ों के साथ आज भी वो रह रही है। एंड अ रियली और ट्रूली और लिटिल पैट ड्रैगन, छोटा रियल रियल रियली मतलब रियल ट्रूथफुल लिटिल पैट ड्रैगन। बेलिंडा इज एस बैरल ब्रेव एस अ बैरल फुल ऑफ, आज भी वो ऐसी बहादुर है जैसे फुल ऑफ बियर्स के बैरल हो। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस लाइन्स, वो भी लाइन्स को चेस करते स्टार्टिंग में, मस्टर्ड इज एज ब्रेव अ टाइगर इन द केज दैट कस्टर्ड कीप कराए, सेम कंडीशन चीज़ें हैं, हालात बदले नहीं है। और इसी के साथ उन्होंने कहानी को समाप्त कर दिया, इससे अगले मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।